हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर से एज वी हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, इन लास्ट वीडियो हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं और हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास में दिया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब थोड़ा सा इसका कंपेरिजन करते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। हमने बोला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन की जो रेट होती है वो रिमेनिंग कैसे होती है, कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होगी वो कैसे रहेगी, नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। इट्स मीन्स हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बोला था कि रिएक्शन की जो रेट होगी रिएक्टेंट की जीरो पावर पर क्या होगी, डायरेक्टली होगी। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की पावर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। देखते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब रिएक्शन की जो रेट रहेगी हमारे पास में नॉट रिमेनिंग है कॉन्स्टेंट। किसी तरह हमारे पास में रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद मतलब इट्स मीन द रेट डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन, मतलब कि आपके पास में जो रिएक्टेंट होगा उसकी पावर पर डिपेंड करेगी रिएक्शन की रेट। सर कैसे, अकॉर्डिंग टू रेट लो, किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लो। मान लो आपके पास में रेट लो एक रिएक्शन दी गई है, आर से किसमें कन्वर्ट हो रही है, पी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब ये आपके पास में आर का मीन्स हो जाएगा, इट मीन्स ये रिएक्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगा पास में प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मैं रेट लो की बात करूँ, रेट लो क्या होता है, आर इज डायरेक्टली जो होता है आपके पास में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। और हमने बोला था आर इज डायरेक्टली ए की पावर अल्फा बी की पावर है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में आर इक्वल होगा के, और इसकी पावर क्या जाएगी, आर की पावर है वन, ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की रेट ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डी ए अपॉन डी टी इक्वल होगा के आर। ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये जो आपके पास में आ रही है, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ठीक है। अब आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, और इक्वेशन फर्स्ट आने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ इन बोथ साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो यहां पर हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड, बोथ साइड हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इक्वेशन जो फर्स्ट आपके पास में दी गई है उसको हम एक बार यहाँ पर राइट करते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी के आर, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास में, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों इस आर को इस रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन में कहाँ ले लूंगा, यहाँ पर ले लूंगा, ये आपके पास में आर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम रिएक्टेंट के लिए क्या ले रहे हैं, आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में डी आर अपॉन आर, और इधर क्या आ जाएगा के डी टी, इधर क्या हो जाएगा पास में के डी टी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो इसके हम लिमिट लगाते हैं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आर नोट और आर टी, इसकी क्या हो जाएगी टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक, ये आपके पास में इसकी। अब इस इधर देखे आते हैं हम इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, कि आप जब भी इंटीग्रेशन करते हो वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का, तो ये इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे किसका इंटीग्रेशन करोगे आप, वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स का, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में आएगा एल एन एक्स, ठीक है। एक इंटीग्रेशन आपके पास में आता है, डी आर अपॉन आर, तो आर को मैं क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा एल एन एक्स। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास में क्या आएगा एल एन आर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आर नोट से आर टी। यहाँ पर माइनस साइन दिया हुआ था, यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं बच्चों, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो ये
डी एक्स, टी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, टी हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके पास में, और इसकी जो आपके पास में लिमिट है वो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी जीरो, और एक क्या हो जाएगी टी से टी तक हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसकी लिमिट लगाते हैं जीरो से लेकर है टी तक बच्चों, ठीक है। अब इसको आगे शुरू करते हैं, तो माइनस एल एन, अब आर की जो लिमिट दी है हमें क्या दी गई है, आर नॉट और आर टी दी गई, तो हम इसको बोल सकते हैं अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट दी है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर सकते हैं बच्चों इसको। तो देखना हम इसमें क्या बोलेंगे, एल एन जो दिया आपके पास में, इसमें हम बोलेंगे आर टी माइनस में आर नॉट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपके पास में हो जाएगा के टी, क्या हो जाएगा के टी, क्योंकि इसके अपर लिमिट क्या दी है, टी दी है, और लोअर लिमिट क्या है बच्चों, जीरो है। तो जीरो को हम यहाँ पर लिखे ना लिखे कोई फर्क है नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम जैसे आगे सोल्व करते हैं, अगर इस माइनस के साइन को हमें प्लस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, आर नोट में से आर टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं एल एन आर नोट माइनस में आर टी बराबर क्या हो जाएगा के टी, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर हम सोल्व करें, अगर आपने ध्यान दिया हो कि एल एन ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस में एल एन बी, एल एन ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए माइनस में एल एन बी। तो ये इक्वेशन यहाँ पर लगाओ, एल एन ए माइनस में एल एन बी दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन आर नोट अपॉन आर टी बराबर में के टी, ये आपके पास में आ जाएगी इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकंड। क्या आ जाएगा इसका आंसर है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारे पास में इक्वेशन कौन सी आ गई है, सेकंड आ गया। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, आपके पास में जैसे लॉग की कुछ वैल्यू होती हैं कि आपको पास में अगर ये दिया हो कि एल एन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एल एन एक्स को आपको लॉग टेन के पदों में चेंज करना है, तो आप क्या बोलोगे, लॉग ए की पावर एक्स, और इसको लॉग टेन के पदों में चेंज करेंगे तो 2.303 लॉग टेन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एल एन एक्स को अगर लॉग के पदों में चेंज करना है तो लॉग ए की पावर एक्स इसको इक्वल कर देंगे लॉग 2.303 लॉग टेन एक्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं बच्चों, एक इक्वेशन और निकल के आ जाएगी, सिंपल सा है, यहाँ पर करते हैं। तो देखो एल एन की जो वैल्यू है इसको मान लेंगे एल एन एक्स, क्या मान लेंगे एल एन एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, के टी बराबर में 2.303 लॉग टेन, और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आर नोट अपॉन आर टी, ये भी हमारे पास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों, कर्व बनाना है। अब कर्व जो बनेगा तो उससे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉलो करानी है, और होती क्या है, y बराबर mx प्लस में c होती है। तो चलो देखते हैं सर कैसे बनेगा ग्राफ। एक काम करते हैं बच्चों, ये log tan r नॉट अपॉन r t है, इसको हम इधर लेके आते हैं, क्या लिखेंगे log tan r नॉट अपॉन r t, ठीक है, और 2.303 से इसके टी को क्या कर देंगे हमें डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है के टी 2.303 ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में। अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन फॉलो करानी है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वाई बराबर एम एक्स प्लस में सी। तो देखिए ये तो आपके पास में हो जाएगा वाई, ये आपके पास में के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303 ये हमारे पास में क्या हो जाएगा एम, और टी हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस में सी, तो सी यहाँ पर कुछ है नहीं तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, इंटरसेप्ट है नहीं। तो बताओ यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा आपके पास में, बताओ यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा, देखते हैं हमारे पास ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो हमारे पास इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो नो डाउट जो लाइन जो होगी हमारे पास में वो ओरिजिन से जाएगी, और ओरिजिन से कहाँ जाएगी, यहाँ से, ये एक्सिस कौन सा है वाई, ये कौन सा है एक्स है, वाई पर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, लॉग टेन आर नोट अपॉन आर टी, ये तो आ जाएंगे वाई पे, और एक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में टी आ जाएगी बच्चों, और ये जो लाइन है इस लाइन के हमारे पास में स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास में के अपॉन 2.303
ये सी क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्लोप आ जाएगी एम आ जाएगी। ठीक है, वापस से देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसकी रेट जो होगी रिमेनिंग नोट कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब ये व्हाइट मीन्स इसकी जो रेट होगी रिएक्टेंट की पावर के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन आती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो इक्वेशन है हमारे पास में ये वाली जो कि KT बराबर 2.303 log 10 R नोट अपॉन RT। R नोट जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और RT हो जाएगा फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। थैंक यू क्लास, बाकी बातें करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में।